इधर महाराज पृथ्वीराज ने कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का हरण करके उससे शादी कर ली थी। तभी से राजा जयचंद पृथ्वीराज के दुश्मन बन चुके थे। और जब पृथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई की तब राजा परमाल भी पृथ्वीराज के दुश्मन बन गए। जैसा कि प्रचलित है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की बेटी बेला से राजा परमाल के बेटे राजकुमार ब्रह्मा का बलपूर्वक विवाह करवा दिया। लेकिन इस विवाह के संपन्न होने के बाद पृथ्वीराज की सेना वहां पहुंच गई और बेला को लेकर वे दिल्ली चले गए। इसलिए विवाह तो हो गया था पर वधु ससुराल नहीं पहुंच सकी थी। बाद में आल्हा उदल ने यह निर्णय लिया कि दिल्ली पर आक्रमण करना जरूरी है ताकि रानी बेला को दिल्ली से महोबा लाया जा सके, और एक संदेश पृथ्वीराज चौहान के पास भेज दिया। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सेनानायक चामुंडा राय को भी समझाया और एक बार फिर रणभूमि में महोबा और दिल्ली की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर घनघोर आक्रमण कर दिया और घमासान लड़ाई शुरू हो गई। कहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा गया था। हाथी, घोड़े, तलवार, भाला, ताशे, नगारे, लोग आज भी इस युद्ध की तुलना कुरुक्षेत्र के युद्ध से करते हैं। बहरहाल लड़ाई करते हुए उदल पृथ्वीराज के सामने पहुंच गया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और पृथ्वीराज घायल हो गए। पृथ्वीराज को बचाने के लिए चामुंडा राय आदि वीरों ने उदल पर एक साथ कई तरफ से मिलकर हमला कर दिया। इतने सारे लोग एक साथ प्रहार करने लगे लेकिन उदल ने भी घुटने टेकना नहीं सीखे थे। उदल आज अपने पूरे शबाब पर था और घोड़ा बिचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों जवान और आधी जमुना में पानी, बहे आधी बहे रकत की धार। एक कुमार दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए और मरे के नीचे जिंदा लोग गहू पर लोथ नहीं लटकाए। उदल पर आज भैरवी सवार थी। उदल आज अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि ऐसा लग रहा था कि उदल अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए मचल रहा है। उदल लगातार एक के बाद एक चामुंडा राय और उसके सैनिकों को ऊपर प्रहार करते रहे। चामुंडा राय बहुत घबरा गया था और उसने बदहवास होकर अपने हाथ के भाले को उदल की तरफ फेंक दिया और वह भाला सीधा उदल के सीने को चीरता हुआ भूमि में गिरा। उदल वीरगति को प्राप्त हुआ। उदल को हत देखकर ब्रह्मा भौचक रह गया और चामुंडा राय ने इस मौके का फायदा उठाकर ब्रह्मा के ऊपर तलवार से वार किया और ब्रह्मा भी वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने मरने से पहले दिल्ली के कई वीरों को ढेर कर दिया था। अंत में आल्हा चामुंडा राय पर आक्रमण करने के लिए निकले। एक के बाद एक दिल्ली की सेना के वीर आल्हा के हाथों मारे जाने लगे। चामुंडा राय भाग गया लेकिन इस युद्ध में आल्हा भी घायल हो चुके थे और समर भूमि में एक और गिर पड़े थे। युद्ध समाप्त हो गया था, दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ था। इन लाशों के ढेर में पड़े दिल्ली के सामंत संयम राय के कानों में महाराज पृथ्वीराज चौहान के कराने की आवाज पड़ी। उसने देखा कि समर भूमि में महाराज पृथ्वीराज चौहान निशक्त पड़े हैं और उनके शरीर का मांस गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। सामंत संयम राय धीरे धीरे रेंगते हुए पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे। जमीन से कटार उठाकर उन्होंने अपने शरीर के मांस को काट काट कर गिद्धों को खिलाना शुरू कर दिया और इस प्रकार स्वामी भक्त सामंत संयम राय ने अपने नरेश पृथ्वीराज चौहान को बचा लिया। कहा जाता है कि समर भूमि में पड़े आल्हा को उस समय के प्रसिद्ध संत परम गुरु बाबा गोरखनाथ अपने साथ उठाकर अपने अखाड़े में लेकर चले गए। कहा जाता है कि आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया था। एक मान्यता और है कि आल्हा अपनी कुल देवी मैयर माता के बहुत बड़े भक्त थे। लोग कहते हैं कि आज भी मैयर माता के ऊपर सबसे पहला पुष्प महावीर आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। एक और किंवदंती के अनुसार आल्हा का संबंध द्वापर युग से जोड़ा जाता है। आल्हा को बर्बरीक का अवतार माना जाता है। बर्बरीक कौन थे? महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था।
जब महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि इस भीषण युद्ध को कौन योद्धा अपने पौरुष की दम पर कितने जल्दी समाप्त कर सकता है। तो किसी ने कहा कि 5 दिन, किसी ने कहा 10 दिन, किसी ने कहा 1 दिन, लेकिन जब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को बुलाया गया तो बर्बरीक ने कहा कि मैं सिर्फ एक बाण से संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। तो भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि इस युद्ध में तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मेरी मां का आदेश है कि जो कमजोर पक्ष हो तुम उसकी तरफ से ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। भगवान ने कहा कि तुम हमें बताओ कि कैसे एक बाण से तुम संपूर्ण युद्ध का समापन कर सकते हो। बर्बरीक ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर सिंदूर लगाई और उन्होंने एक पेड़ की तरफ इंगित कर भगवान कृष्ण से कहा कि मैं इस प्रत्यंचा को छोड़ूंगा और इस सिंदूर की एक एक बूंद ये सारे के सारे वृक्ष के पत्ते पर आ जाएगी। जहां जहां इस सिंदूर की बूंद को आप देखेंगे मेरा बाण उस पत्ते पत्ते को छेदते हुए जाएगा। भगवान कृष्ण ने परीक्षा के लिए उस वृक्ष के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा के रख लिया। इधर बर्बरीक ने प्रत्यंचा छोड़ी और उस वृक्ष के एक एक पत्ते पर वह चिन्ह अंकित हो गया। भगवान कृष्ण ने बहुत चुपचाप पैर के नीचे दबे हुए पत्ते को देखा तो वह पत्ता भी चिन्हित था और तत्काल ही भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया। घटोत्कच रोषित हो गया, भीम दुखी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसकी मां ने कहा था कि ये अशक्त की तरफ से लड़ेगा, तो यदि ये तुम्हारी तरफ से लड़ता तो दुर्योधन अशक्त हो जाता, फिर ये दुर्योधन के पास चला जाता तो पांडव अशक्त हो जाते, फिर ये पांडवों के पास आता तो दुर्योधन अशक्त हो जाता, तो इसलिए बर्बरीक की बराबरी का कोई योद्धा इस काल में नहीं है। मैं बर्बरीक को लड़ने का मौका अवश्य दूंगा, लेकिन बर्बरीक को एक युग तक इंतजार करना पड़ेगा। बर्बरीक, तुम्हारी बराबरी के योद्धा तुम्हें कलयुग में मिलेंगे। कहा जाता है कि आल्हा बर्बरीक के अवतार है।